जुमा मुबारक जुम्मा अ इजिकेक्टर स्केच ऑफ हेमल द करेक्टर ऑफ मोस्यू हेमल फ्रॉम योर स्टोरी फ्रॉम योर स्टडी स्टोरी द लास्ट लेसन अ ग्रे टीचर हेमल टीचर एक बुरा फ्रांसीसी उस्ताद फ्रांसीसी ज़ुबान का उस्ताद, एट स्कूल इन एल्सिक के एक स्कूल में ही वॉज़ अ टिपिकल टीचर वो एक वो मखसूस खसूसियात का हमल एक उस्ताद था ही कमांडेड द रिस्पेक्ट उसे इज़्ज़त हासिल थी एंड लव ऑफ द बॉयज़ एट स्कूल स्कूल के लड़के जो थे उसकी मोहब्बत करते उस, उसकी इज़्ज़त करते थे उससे मोहब्बत करते थे ही मेन ग्रेट डिसिप्लिन इन द क्लास वो क्लास में नजमोत बरकरार रखता था द दॉयज़ ऑफ द स्कूल स्कूल के लड़के वो रेफ्रेड और खौफसदा थे ही कैप द आयरन रूलर वो लोहे का डंडा लोहे की छड़ी रखता इन्हें सैंड अपने हाथ में एंड पनिश द बॉयज़ और लड़कों को सजा देता हु डिड नाट लर्न दियर लेसन वेल जो कि अपना सबक अच्छे से याद ना करते ही वॉज़ नॉट अ वेल ड्रेस पर्सन वो बहुत खुश लबास नहीं था इट वॉज़ ऑनली ऑन डेज ऑफ इंस्पेक्शन ये सिर्फ मायने के दिन में था एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और जो नमाद की तकसीम उस दिन डेट ही वो फाइन क्लॉथ्स के वो अच्छे या नफीस कपड़े पहनता he was dressed in handsome blue coat. वो एक खूबसूरत अच्छा नीला कोट पहने हुआ था and silk embroidered breeches और सिल्क की कशदाकारी वाले कपड़े his last day at school. स्कूल में अपने आखिरी दिन आ डेलिजेंट टीचर एक मेहनती उसताद ही हार्ड वर्किंग एंड डेलीजेंट टीचर वो एक मेहनती जानफिशान उस्ताद था एवन ऑन इस लास्ट डेयर तक कि अपने आखिरी दिन भी ही हैड द करेज उसके अंदर इतना हौसला था टू कंटिन्यू इस क्लास टू द एंड कि वो आखिर तक अपनी क्लास को जारी रख सकता ही टॉट ग्रामर उसने ग्रामर सिखाई और ग्रामर सिखाता था एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड एज़ यूजल उसने उस दिन ग्रामर सिखाई और मामूल तख्ता से आप पे लिखा ही है दीन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा था ही वाज फुली अवेयर ऑफ वो मुकम्मल तौर पर आगा था ऑफिस शॉर्ट कमिंग्स एज ए टीचर बहैियत उस्ताद अपनी खामियों से मुकम्मल तौर पर आगाह था he held himself responsible उसने ख़ुद को ज़ुमेदार ठहराया फॉर नॉट टीचिंग फ्रेंड्स टू द बॉयज़ प्रॉपरली लड़कों को अच्छी तरह से फ्रांसीसी ज़ुबान ना सिखाने पे उसने ख़ुद को ज़िम्मेदार ठहराया he sent the boys to various errands मुख्तलिफ जो छोटे मोटे काम वो करने के लिए लड़कों को भेज देता है इंस्टार्ट ऑफ टीचिंग डैम उनको सिखाने पढ़ाने की बजाय ही मेट दैम वाटर हिज प्लांट्स वो वे अपने पौधों को पानी देने के लिए भेजता ही टुक दैम व ही म फॉर हंटिंग फिश मछलियाँ पकड़ने के लिए भी उन्हें साथ ले जाता इन दिस वे इस तरह से ही वेस्टेड देयर टाइम वो उनका वक्त ज़ाया करता ही मेड एन ओपन कन्फेशन उसने खुला इतराफ़ किया ऑफ दिस इस चीज का दिस शोज ये दिखाता है दैट ही हैचर साफ गो और एक खुली फितरत का मालिक इंसान था आ सीरियस एन एन एंड एन आइडियल टीचर एक संजीदा और एक मिसाली उस्ताद हेमल स्पेंट फोर्टी ईयर्स ऑफ लाइफ एट दैट स्कूल उसने उस स्कूल में अपनी जिंदगी के चालीस साल गुजारे ही बिकेम अ पार्ट ऑफ द स्कूल वो स्कूल का हिस्सा बन गया ही कोड नॉट रिकनसाइल वो समझौता नहीं कर सकता था विद द आइडिया ऑफ लिविंग इट इसको छोड़ने का ही डिवेलप ग्रेट लव फॉर द ही डिवेल्प ग्रेट लव उससे बहुत ज़्यादा मुहबत थी फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स उन मुखलिफ चीज़ों से लाइंग इन एंड अराउंड द स्कूल जो कि स्कूल में या स्कूल के इर्द गिर्द पढ़ी थीं ड्यूरिंग दर्स ऑफ हज लेक्चर अपने लेक्चर के दौरान ही रिमेंट काम व पुरसकून रहा एंड ऑफन डिड नाट शो और उसने नहीं दिखाया एनी इमोशनल अप्स एंड डाउंस कोई जज्बाती नशिब अफराज जो उसको कोई जो परेशानी थी उसका इजहार नहीं किया एयर्स ऑफ टीचिंग सालों का तजर्बा सिखाने का पढ़ाने का तजर्बा लेंथ मेजोरिटी टू हिम उसमें से पुख्ती अता कर दी ही वॉज वेरी सैड वो बहुत उदास था एंडी और ना खुश था एट द एंड लास्ट क्लास इन द स्कूल स्कूल में अपनी लास्ट क्लास के अख्ताम पे ही कुड नॉट रिकनसाइल टू द आइडिया वो इस ख्याल से इस तस्वुर से समझौता ना कर सका बिकमिंग अ स्लेब गुलाम बनने का टू द जर्मन जर्मन के गुलाम बनने का दिस कुड हैव इिटेटेड हम हो सकते किस बात ने उसको इश्तल दिलाया हो इस चीज़ ने उसको डिस्टर्ब किया हो अगेंस्ट द जर्मन क्लास के उसको गुस्सा आया हो बट ही वो पुरसकून रहा ठंडा रहा इन क्लास में इट इज ओनली एट द एंड सिर्फ क्लास के अख्ताम पे था आखिर पे था दैट ही बिकेम पैशनेट वो जज्बाती हो गया एंड वॉइस हिज फीलिंग्स और अपने अहसास का इजहार किया फॉर हिज लव ऑफ फ्रांस फ्रांस के लिए अपनी मुहब्बत के एहसास का इजहार किया विध टीयर्स एन इज आइज अपनी आंखों में आंसू लिए हुए ही रोट लॉन्ग लॉन्ग live फ्रांस उसने फ्रांस जिंदाबाद लिखा द ब्लैक बोर्ड तक पे। एंड डिसमिस द क्लास और क्लास ख़त्म कर दी विद अमोशन ऑफ हिस हैंड अपने हाथ के इशारे से ही वॉज़ अ टीचर ऑफ़ ब्रॉड सिम्पथी वो वसी हमदर्दी का हम उस्ताद था एंड वाइड अंडरस्टैंडिंग और वसी फ़हम का समझ बूझ का ही वॉज़ फुली अवेयर वो मुकम्मल तौर पर आगा था ऑफ़ द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स तलबा के मसले से एंड इस कंट्री और अपने मुल्क के मसले से हिंदियों वो जानता था दैट द नेशंस कि अवाम कोड बी मेड स्लेव्स उन्हें ग़ुलाम बनाया जा सकता था इफ़ दे डिड नॉट पे अटेंशन अगर वो तो ना दें टू द लर्निंग ऑफ देयर मदर टंग अपनी मादरी जुबान के सीखने पर तोज् ना दें तो उन्हें ग़ुलाम बनाया जा सकता था ही हैड ए फुल परसेप्शन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री बिफोर हिम उससे इंसानी तारीख़ का मुकम्मल अद्राक था मुकम्मल उसकी समझ थी ही लुकड ऐट द पास्ट प्रजेंट एंड द फ्यूचर टुगेदर वो माजी हाल को कोट्ठा एक साथ देख सक देखता बिफोर ही मेड एनी ऑब्जर्वेशन अबाउट ह्यूमन प्रोग्रेस बेशतर इसके कब्र कि वह इंसानी तरक्की के बारे में कोई मुशाहा कर पाता उसके बारे में कोई डिसीजन कोई जजमेंट पास करता तो वो पहले माजी हाल और माजी को खंगालता अपने हाल को देखता और फिर मुस्तबिल पर भी एक नज़र रखता अ ग्रेट पैट्रियट एक अज़ीम अच्छा वतन अपने वतन से मोहब्बत करने वाला सचा टीचर ऐसा उस्ताद हैविंग लव फॉर हिज कंट्री जो जो कि अपने मुल्क से मोहब्बत करे है, नेशन और अपनी कॉम से कैन ओनली बी कॉल्ड एन आइडियल टीचर उससे सिर्फ ऐसे ही उस्ताद को आप एक मिसाली उस्ताद कह सकते हैं ही वॉज़ अ ग्रेट पैट्रियट वो एक अजीम अच्छा महबूल था ही है डीप लव फॉर इस कंट्री अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करता था ही वॉज़ ग्रेटली पेंड उसे तकलीफ होती टू तो सी इस कंट्री अपने मुल्क को देख के अंडर द डोमिनेशन कब्जे में तसलु किसी के जेर तसलु देख के ऑफ प्रोशियंस जर्मनों के वन ही सा दोशियस जब उसने जर्मनों को देखा ब्लेरिंग आउट बगल्स बगल्स बजाते हुए एंड गोइंग अंडर द स्कूल वंडो और स्कूल की खिड़की से उनको जाते हुए देखा ही कुड tolerate टॉलरेट sight तो वो इस नज़ारे को इस मंजर को बर्दाश्त ना कर पाया ही wrote ऑन द ब्लैक बोर्ड उसने तख्ता पे लिखा इन एज लार्ज लेटर्स एज पॉसिबल जितने के बड़े हरूफ में लिख सकता था लॉन्ग लिफ फ्रांस ट्रांसिंदाबाद दिस शोर दिख इस इस बात ने इस चीज़ ने दिखाया द लव for इस कंट्री मुल्क के लिए उसकी मोहब्बत एंड द लैंग्वेज और जुबान के लिए विच हैड deep इन सोल जो कि उसकी रूह के अंदर उतर चुकी थी इट पिकेम अवज़िक ऑफ हिस हार्ट ये उसके दिल का दिल की आवाज़ बन गई ये लव द फ्रेंच लैंग्वेज और उसने फ्रांसीसी ज़ुबान से, से मोहब्बत की पैशनेटली जज्बाती अंदाज में बहुत ज़्यादा मोहब्बत की ये एडवाइज द बॉयज़ उसने लड़कों को नसीहत की टू लव दियर लैंग्वेज कि अपनी ज़ुबान से मोहब्बत करें एवन इफ देर स्लेव हाथा कि वो ग़ुलाम भी हों तो भी अपनी ज़ुबान से मुहबत करें इन दिन व्यूज़ के नज़री में या उसकी राय में इफ, देर रिटेन देयर लैंग्वेज अगर वो अपनी ज़ुबान को कायम रखते हैं बरकरार रखते हैं नो पार ऑन अर्थ तो ज़मीन पर कोई भी ताकत कुड कौन कर देअर माइंड उनके जहन को फतेह नहीं कर सकती द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज ओके द लास्ट लेक्चर आखिरी सबक ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांसीसी ज़ुबान की अहमियत पे अवेक्न बेदार कर दिया है एंड अन नॉन लव एक अनजानी मोहब्बत अमंग द बॉयज़ लड़कों के दिलों में मतलब वो मोहब्बत जो कि पहले जिससे वो आगाह नहीं थे उसको नहीं जानते थे फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांसीसी ज़ुबान के लिए विलेजर्स देहाती एंड अनएजुकेटेड पीपल और ना ख़्वादा गैर तालीम याफ़्त लोग हु हैड कम टू हिज क्लास जो कि उसकी क्लास में आए ट्राई टू तो रिसाइड फ्रेंच उन्होंने भी फ्रांसीसी ज़ुबान पढ़ने की बोलने की कोशिश की द यंग बॉय नौजवान लड़का फ्रेंड्स फ्रेंड्स फेल्ट होली जॉय उसने खुशी महसूस की सरशारी महसूस की एन रीडिंग पढ़ने में हिज फ्रेंच बुक अपनी फ्रांसीसी की जुबान की किताब का सबक पढ़ने में खुशी महसूस की वी कैन से हम कह सकते हैं दट हेमल वॉज अ ग्रेट टीचर एक अच्छा उस्ताद था जज बाय आल स्टैंडर्ड्स अगर तमाम मैार जो भी स्टैंडर्ड्स हैं पैरामीटर्स हैं उनसे उसको देखा जाए जज किया जाए तो वो एक अच्छा उस्ताद था पार्ट टू ऑफ आर एस ए सैंटिस्ट फॉर कार्ल साइंस साइंसदानों को शैतान कहा गया बाय द रिलीजियस पीपल मज़हबी लोगों ने साइंसदानों को शैतान कहा साइंस हैड टू स्ट्रगल वेरी हार्ड साइंस को बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी अगेंस्ट डॉकोमेटिक रिलिजन्स दिन उसी जो कदीम ख़्याल के हामल मज़हब थे फॉर अ अप्रिटी लॉन्ग टाइम इन यूरोप यूरोप में जो कदीम ख्याल के हामल मजहब थे उनके खिलाफ इसको बड़े लंबे अरसे के लिए स्ट्रगल करना पड़ी कॉपन एक दियोरी उसने नजरिए का इक्शाफ किया नज़रिया बताया दैट द सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ के सूरज ज़मीन के गिरद घूमता एंड अनफॉर्चुनेटली और बदकस्मती से है टू पे डियरली फॉर इट उसको इस बात की बहुत महंगी कीमत अदा करना पड़ी ही वज़ टॉर्चर उसे अजियत दी गई एंड प्रोजीक्यूटेड और उस पर तशद किया गया बाई द चर्च मैन के जो चर्च के लोग थे जो जैसे वो पादरी और बिशप्स वगैरह गलेलियो टू हैफ़र तो अ गुड डेल गले को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा ऑफ एम्प्रिजनमेंट कैद की एंड पेन और, और तकलीफ़ की फॉर हिस्स थेरी उसके नज़रे के लिए अबाउट द रोटेशन रोटेशन ऑफ़ द अर्थ जो उसने ज़मीन की गर्दिश के बारे में दिया द ग्रेट चैलेंज सबसे बड़ा जो चैलेंज था जो एक मामला उनको दरपेश था एवर नोन टू रिलीजन मजहब के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था केम फ्रॉम डार्विन डार्विन की तरफ से आया इन द फॉर्म ऑफ इस थेरी ऑफ एवोल्यूशन उसके नज़रिया इरत की सूरत में द चर्च मैन जो मजहब से रिलेटेड जो लोग थे सिंपली स्ट्रंग टू द वो शस्तर रह गए हैरान रह गए टू हीयर फ्राम से सुन के दैट मैन हैड बीन मेड कि इंसान को बनाया गया इन द इमेज ऑफ एप एंड नॉट ऑफ गॉड उसे लंगूर के इमेज में और जैसे कि अब जैसे डिस्क्रिप्शन में है वैसे चल डार्विन के नज़रिए पे कितना वो सच है कितना नहीं है वो तो आप ही बेहतर जानते हैं मैं भी जानती हूँ तो बह दे अमेज टू लिसन ऑल दिस कि जो उसने कहा कि इसे जानवरों से ये एवल्यूट हो के और फिर इस तरह से आया है ये डायरेक्ट क्रिएशन नहीं है नवाज़ बिल्ला इवेंचुअली आखिरकार डार्विन हैड टू फेस डार्विन को सामना करना पड़ा आस्टॉम ऑफ एंगर एंड कॉन्टेंट गुस्से और नफ़रत के तूफान का बहुत ज़्यादा गुस्से और नफरत का फ्राम द चर्च चर्च की तरफ से बट ही नवर गेव इन लेकिन उसने कभी भी हार ना मानी इन शॉर्ट मुख्तसरन दर्थोडॉक्स द केन उसी पुराने ख्याल के जो हामिल क्रिस्टियनिटी इन यूरोप ईसाइथ का जो मजहब था यूरोप में ट्राई टू स्टॉप उसने रोकने की कोशिश की द मार्च ऑफ सैंस साइंस की तरक्की की रफ्तार को बट इट डिड नाट सक्सीड लेकिन यह कामयाब ना हुई इन द नाइनटीन सेंचुरी उन्नीसवीं सदी में साइंस इमर्ज विक्टोरियस फातें निकली अपरेंटी बाज़ाहर साइंस हेज़ मैनी डिफ्रेंसिस विद रिलीजन साइंस के मजहब के साथ बहुत से अख्तलाफात हैं साइंस डील्स विद फैक्ट्स विच कैन भी इस्टैब्लिश बाई रीज़न साइंस डील्स विद फैक्ट्स ये उन हक़ाक़ के साथ मामला करती है विच कैन भी इस्टैब्लिश बाई रीज़न जिनके आप अकल से समझ से आप उनको साबित कर सकते हैं उनकी सच्चाई को साबित कर सकते हैं रिलीजन डीज़ विद इंट्यूशन ऑन अदर हैंड मजहब जो है ये वजदान के साथ इसका लिंक होता है साइंस रेनाउंसिस साइंस रद्द करती है ठुकराती है कन्वेन्श रवायात कोस्टिशन और तहमात को वेयर जबकि रिलीजन डज़ नाट रिजेक्ट दम मज़हब उनको रद्द नहीं करता